हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा स्टेट हेल्थ सोसाइटी नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश यूपी NHM के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे डिक्रीमेंट निकला है जिसका डिटेल मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे 10,000 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकला हुआ है। यहाँ पे स्टाफ नर्स एंड मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से वाइज बहुत सारे रिक्रूटमेंट निकला है जिसको मैं यहाँ पे डिटेल्स में बताऊँगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते, सब कुछ डिटेल में। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखना मत भूले, उसके बाद ही आप लोग समझ पाएंगे कि कहाँ से कब को किस में जाके आपको अप्लाई करना होगा। तो उससे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो शुरू हो गया है, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। आप लोग वहाँ से जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे 10,000 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी अक्रॉस उत्तर प्रदेश में निकला हुआ है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है जिसके लिए आप सभी लोग जानते हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है जिसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। इसके साथ साथ दोस्तों, पोस्ट क्या है उसको भी डिटेल यहाँ पर बताऊँगा, उसके साथ साथ कितना आपका सैलरी रहेगा उसको भी डिटेल्स यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। तो पहले जो जॉब है यहाँ पर आपको ANM जिसका पोजीशन नेम है ANM, जिसके लिए आपको क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 2 इयर्स सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मीट बाय द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अप्रूव बाय द नर्सिंग काउंसिल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे आपका 7,190 टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए अंडर रिजर्व के लिए यहाँ पे 580, OBC के लिए 1,972 एंड SC के लिए 1,529, ST के लिए 118 एंड इसके साथ साथ यहाँ पे सैलरी जो रहेगा आपको 12,128। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो बोला गया 2 इयर्स के सर्टिफिकेट चाहिए डिप्लोमा ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ, इसके बाद ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते ANM के पोजीशन के लिए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा सेकंड पोस्ट क्या है। दोस्तों, सेकंड पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है नर्स, स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे सेकंड पोस्ट है, जिसके क्वालिफिकेशन चाहिए जनरल नर्सिंग एंड मीट व जनरल नर्सिंग, उसके साथ साथ BSc नर्सिंग बाय द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अप्रूव बाय द नर्सिंग काउंसिल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए यहाँ पे आपको सैलरी रहेगा 20,013 रुपीज़ पर मंथ। इसके बाद दोस्तों है OT टेक्नीशियन, जिसके लिए 286 वैकेंसी है, जिसके लिए बैचलर ऑफ साइंस आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। जिसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे आप अगर BSc है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपका सैलरी रहेगा आपको 20,000 पर मंथ। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट है यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए, जिसके क्वालिफिकेशन चाहिए आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग नर्सिंग एंड मिडवाइफी, उस चीज के लिए BSc नर्सिंग बाय द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे है स्टाफ नर्स के लिए, जिसका लिए आपको चाइल्ड हेल्थ 7+ NBSU, जिसके लिए 177 जो पोस्ट है डिप्लोमा इन नर्सिंग, इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, जिसका सैलरी रहेगा 18,500। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे है चाइल्ड हेल्थ SNCU, जिसके लिए स्टाफ नर्स पोजीशन है डिप्लोमा जनरल नर्सिंग, जिसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सैलरी भी आपको यहाँ पर 18,000 आपको पर मंथ रहेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे सीनियर लैब टेक्नीशियन, जिसके लिए यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन चाहिए BSc बायोटेक्नोलॉजी विद DMLT और BSc माइक्रोबायोलॉजी विद DMLT, BSc विद DMLT और इक्विवेलेंट, जिसके लिए 25,000 सैलरी आपको रहेगा पर मंथ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे पोजीशन है लैब टेक्नीशियन के लिए, यहाँ पे पोजीशन है जिसके लिए यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन चाहिए इंटरमीडिएट और 10+2, जिसके डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निकल टेक्नोलॉजी, जिसके लिए यहाँ पे वैकेंसी है 9 और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे सैलरी रहेगा 17,303 रुपीज़। उसके बाद है लैब टेक्नीशियन डिवीजन लेवल के 10+2 आपको सर्टिफिकेट आपको एलिजिबल होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके सैलरी 20,000 पर मंथ रहेगा। उसके बाद दोस्तों, पोस्ट है GNM, जिसके लिए आपको डिप्लोमा इंजीनियर नर्सिंग में आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे 205 पोस्ट है। उसके बाद है NCD के लिए लैब टेक्नीशियन, जिसके लिए आपको 10+2 और 12 पास होना चाहिए, 205 पोस्ट है। उसके बाद स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे है पोस्ट 240, जिनरल नर्सिंग के लिए यहाँ पे
पोस्ट है 18,000 पर मंथ सैलरी रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, जिसके लिए बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी 2 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस हॉस्पिटल 40 पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पे सैलरी रहेगा आपको 20,000 पर मंथ। तो दोस्तों ये था। इसके बाद दोस्तों पोस्ट है जो लैब टेक्नीशियन, जिसके लिए यहाँ पे आपको 11,000 पर मंथ रहेगा। उसके बाद दोस्तों स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट 22 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपको 12th पास की सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पोस्ट है, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नर्स मेंटर के लिए यहाँ पे आपको जो पोस्ट निकला है, जिसके लिए 32-34 वैकेंसी है, जिसके सैलरी रहेगा 36,750 रुपीज़। उसके बाद दोस्तों पोस्ट है यहाँ पे जिसका मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए सैलरी जो जिसके लिए इसका सैलरी रहेगा 30,000 और क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री इन नर्सिंग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे आपको जॉब निकला हुआ है, जिसके 70 वैकेंसी है। उसके बाद आपको यहाँ पे और भी जो पोस्ट है आप लोग देख सकते हैं, स्टाफ नर्स के लिए बैचलर डिग्री इन नर्सिंग, जिसके लिए 70 वैकेंसी है 30,000 पर मंथ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पोस्ट जो है यहाँ पे नर्स इन कॉलेज, एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन जो दिया हुआ है, आपको रिटर्न एग्जाम देना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आपको इंटरव्यू के थ्रू आपके यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद दोस्तों एज जो है, वो एज लिमिट जो है यहाँ पे आपको बोला गया है दोस्तों। कैटेगरी जो है यहाँ पे अनरिजर्व के लिए एज लिमिट है 18-40 ईयर्स, ओबीसी के लिए 18-43 एंड SC ST के लिए 18-45 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो लोग BSc है वो लोग यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो लोग नर्सिंग ट्रेनिंग है आपके पास, जो लोग के पास डिग्री है वो लोग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए लिंक दे दूँगा, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते। इसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया 33% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 30% फॉर OBC एंड 24% फॉर SC ST % आपको मार्क्स चाहिए सर्टिफिकेट मार्क्स, उसके बाद ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज जो कि आपको एज लिमिट के जो दिया हुआ है आपको मिल जाएगा, जिसको आप देख के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको एज डिडक्शन भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन में जाके एप्लीकेशन करना होगा, जिसके लिए अप्लाई के लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके एप्लीकेशन कर सकते। तो दोस्तों आज के लिए यही वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले। इसके साथ साथ कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ, 7 जनवरी 2019 जिसका लास्ट डेट है, जिससे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेशन करना होगा। लास्ट डेट 7 जनवरी 2019। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को। थैंक यू।